हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मैं सारा सीए न्यू सिलेबस का प्रपोज स्कीम समझा रहा हूँ जिससे कि आप रेडी हो पाएँ इंस्टीट्यूट तक अपनी बातों को पहुँचाने के लिए, तो हाल में इंस्टीट्यूट ने एक ऑनलाइन पोर्टल रिलीज़ किया है जिसमें वो आपसे आपका कमेंट्स मांग रहे हैं। और इसमें बच्चों का जनरली मन रहता है कॉमेंट करने का, बट वो हमेशा आड़ में छुप के कॉमेंट्स करते हैं और जब सामने आने की बात होती है तो नॉर्मली वो पीछे हट जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम इंस्टीट्यूट को कमेंट करेंगे तो कल को वो हमें पकड़ लिया और हमें कुछ आगे पढ़ने नहीं दिया तो क्या होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट की तरफ से एक URL है boscret.ica.org में जाकर यहाँ पे हर एक सेक्शन वाइज बहुत ब्यूटीफुली क्वेश्चनेयर बनाया गया है और सब में आपको डिटेल भी अपना भरना पड़ेगा। अगर आप डिटेल नहीं भरेंगे तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूट आपसे क्रॉस एग्जामिन नहीं कर पाएगा। वो नहीं चाहता कि कोई एकदम आउटसाइडर आकर कुछ बात करें, बट पॉइंट है कि हम तो अपना काम करेंगे। मैं तो मेंबर के हिसाब से करूंगा, ठीक है, या एकेडमिशियन के हिसाब से करूंगा, जो भी मेरे को अथॉरिटी मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली मेंबर के हिसाब से ही मैं करने वाला हूं। तो ये जब मैं करूंगा तो डेफिनेटली मैं अपनी बात तो पहुंचा दूंगा, बट आप लोग भी अपनी बात पहुंचाइए। जो भी आपको कंसर्न है, जो भी आपको इश्यूज़ है, वो ज़रूर पहुँचाइए। हालांकि बच्चों को समझ नहीं आता कि हम क्या पहुँचाए, ये इसका क्रॉस इम्प्लीकेशंस क्या है हमारे ऊपर, जो अपेरेंटली दिख रहा है वही है कि कुछ और है। इसीलिए ये सीरीज ऑफ वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने सीए फाउंडेशन का इम्पैक्ट आपको समझाया था, सीए फाउंडेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके पहले मैंने आपको समझाया था कि 5 हिडन चीज हैं अभी भी जिस पे क्लैरिफिकेशन नहीं होने के कारण कमेंट पूरा क्लियर नहीं कर पा रहे, तो ये बात भी आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा। फिर इसके पहले अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि डिग्री की बेसिक क्वालिटीज़ क्या होती है। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस वो डिग्री बढ़ा रहा है कि नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इन द सेंस, खाली एज पर इंस्टीट्यूट मुझे लगता है कि दे हैव कंसिडर्ड दैट ओनली इन द फॉर्म ऑफ दिस इंटरनेशनल करिकुलम इन द नेम ऑफ सेल्फ पेज मॉड्यूल। तो दे आर सेइंग दैट दिस सेल्फ पेज मॉड्यूल से आप ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा लोगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन आपको मिलेगा, और दूसरा केस स्टडी बेस्ड ओपन बुक होने से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मिलेगा। तो मेरा व्यू पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, जो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा अपने इन सीरीज ऑफ वीडियोस में। तो फिलहाल आज का सेशन में मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि CA फाउंडेशन का तो मैंने बता दिया था, तो CA इंटर पे क्या इम्पैक्ट है, CA इंटरमीडिएट पे क्या इम्पैक्ट है आपके न्यू सिलेबस का। तो CA इंटरमीडिएट के लिए देखिए, जो लोग डायरेक्ट एंट्री रूट से आते थे, डायरेक्ट एंट्री रूट के लिए बहुत आसान हो गया, ये सिंप्लीफाई हुआ, डायरेक्ट एंट्री रूट के लिए सिंप्लीफाइड हो गया। क्यों? क्योंकि उनको ना इनिशियल में वो 9 months आर्टिकलशिप पिक करके आना पड़ता था, तो ये बहुत हेक्टिक हो जाता था बच्चों के लिए। 9 months आर्टिकलशिप, बाप रे बाप, उसके साथ साथ इंटर की पढ़ाई रियली यूज्ड टू बी वेरी हेक्टिक। तो ये वाला पीरियड को नहीं चाहिए, अब ये नहीं करना है। तो अब जो आर्टिकलशिप करना है वो सारा का सारा आपको इंटर पास होने के बाद ही करना है। दिस इज़ वन गुड रिलीफ फॉर यू। फाउंडेशन रूट से आते हैं तो देर इज़ नो चेंज, तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इंटर में देर आर नाउ, इंस्टेड ऑफ 8 देर आर नाउ 6 पेपर्स। प्रीवियसली कितना पेपर था? 8 पेपर था, 8 सब्जेक्ट आपको एग्ज़ाम में लिखने पड़ते थे, बट नाउ कितना हो गया? सिर्फ 6 पेपर्स हो गए, ठीक है। तो 8 पेपर कैसे थे? जैसे कि आपको पहले ध्यान होगा अकाउंट्स था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते थे, फिर लॉ है, फिर आपका थर्ड नंबर
थर्ड नंबर आप देखिए इसमें कॉस्ट है, फोर्थ नंबर आपका टैक्स है, और फिफ्थ नंबर पेपर था आपका एडवांस अकाउंटिंग, सिक्स नंबर पेपर था एफएमएनडी को, नेक्स्ट सेवेंथ नंबर है ऑडिट, एंड एट्थ नंबर है ईआईएसएम, राइट, एट नंबर सब्जेक्ट है ईआईएस और एसएम। तो इसमें थोड़ा शफलिंग हो गया है, एट नंबर क्या है ईआईएस और एसएम है, ईआईएस और एसएम अलग अलग कर देते हैं, मैं एफएम और इको ऐसे लिख देते हैं। हाथ से लिखने से क्या होता है ना, ज्यादा कनेक्ट होता है, और क्या दिखा भी तो सकते ही थे, बट लिखने से ज्यादा कनेक्ट हो जाता है बच्चों को। अब सिक्स पेपर्स क्या हो गया, अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स मिलके एक आ गया है, तो इसका नाम हो गया एडवांस अकाउंट्स। अब इसमें इंस्टीट्यूट ने बोला है कि कुछ पोर्शन ऑफ अकाउंट्स हम फाउंडेशन में शिफ्ट कर देंगे और एडवांस अकाउंट्स भी जो है सारा का सारा रहेगा। सेकेंड नंबर, लॉ में एक अदर लॉज भी था, अदर लॉज को फाउंडेशन में शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे पूरा कॉरपोरेट लॉ आ जाएगा। थर्ड नंबर, कॉस्ट एज इट इज है, बट ऐसा बात है, रिसेंट में इंस्टीट्यूट ने एक वेबिनार लिया था जिसमें इन्होंने कहा है कुछ फाइनल के कॉस्टिंग भी यहाँ पे डाल सकते हैं। टैक्स एज इट इज है, एडवांस अकाउंट हट गया, फिर फिफ्थ नंबर आपका एफएम और इको के जगह ईएएस हटा के एफएम और एसएम आ गया, और सिक्स्थ नंबर ऑडिट अपने जगह ये। दिस इज द न्यू मॉडिफिकेशन, समझ गए आप। तो लॉ बोल के सब्जेक्ट है बट अदर लॉज हटा दिया गया है, ठीक है। कॉस्ट में बात है कि एक्स्ट्रा ऐड होगा, ठीक है, टैक्स जैसा वैसा ही रहेगा, एफएम जैसा वैसा ही रहेगा, इको हटा के फाउंडेशन में चला जाएगा जितना जाना है, और ईआईएस हट जाएगा, उसके जगह एसएम जो है वो एफएम के साथ कंबाइन हो जाएगा। सो पॉइंट ये कि आठ के जगह अब छह पढ़ना है, तो उस तरह से थोड़ा आसान लग रहा है। आपके पास पहले जैसे फाउंडेशन से इंटर के बीच में एक फासला होता था, फाउंडेशन पास करके जब आप इंटर एग्जाम देते थे ना, तो उसमें आठ महीने का स्टडी पीरियड था, वो अभी भी सेम है, एट मंथ स्टडी पीरियड पहले भी था, अभी भी है सेम एज प्रीवियस, बट वो आठ महीने में अब आपको क्या होता था ना कि आप आठ सब्जेक्ट की तैयारी करते थे तो बहुत हेक्टिक होता था अलॉन्ग विथ कॉलेज, इट रियली यूज्ड टू बी हेक्टिक। अब आपको छह सब्जेक्ट की तैयारी करनी है इन आठ महीना, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाएगा। हाँ, उसमें शफलिंग हो रहा है, ये बात मानने का है, शफलिंग हो रहा है, मतलब कि अकाउंट्स थोड़ा सा लेंदी हो गया ना, कुछ टॉपिक एकदम बेसिक टॉपिक ऑफ अकाउंट्स फर्स्ट फाउंडेशन में शिफ्ट कर दिए जाएंगे, बट अकाउंट्स लेंदी हो गए, लॉ लेंदी हो जाएगा, अदर लॉ हट के फाइनल का जितना कंपनी लॉ है पूरा इंटायरिटी कंपनी लॉ आ जाएगा, तो लॉ थोड़ा लेंदी हो गया है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी बात हो रही है कि कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक डालेंगे, टैक्स एज इट इज है, एफ एम एस एम अभी एज इट इज है, अभी उसके बारे में कुछ आया नहीं है तो बता नहीं पा रहे, ऑडिट एज इट इज है, तो सेम एज प्रीवियस है, बट जस्ट क्या कि आपको अब छह सब्जेक्ट पढ़ना है, तो थोड़ा सा रिलैक्सिंग लग रहा है बिकॉज अलॉन्ग विथ कॉलेज नाउ सिक्स पेपर्स हैं, तो थोड़ा रिलैक्सिंग लग तो रहा है, ठीक है। देयर इज नाउ सिक्स पेपर्स, सो वी आर फाइंडिंग इट लिटिल बिट रिलैक्सिंग। तो इसमें एक एड ऑन ये है कि हर पेपर में एमसीक्यूज आने वाला है 30% विथ नेगेटिव मार्किंग, ये एक नया चीज आने वाला है, तो पढ़ने के जो सिस्टम है वो थोड़ा सा हम लोग को बदलना पड़ेगा। एग्जाम टर्म दो बार होगा कि तीन बार होगा ये अभी भी क्लियर नहीं है, एग्जाम टर्म दो बार होगा कि तीन बार होगा ये अभी भी क्लियर नहीं है, वो तो ओवरऑल तीनों लेवल के लिए ही बात हो रहा है, बट एमसीक्यूज इसमें एड ऑन हो गया, ओके। पास मार्क्स इन पेपर, जैसे फाउंडेशन में हमने बोला कि आपको हर पेपर में 50% लाना पड़ेगा, पहले था
40 इंडिविजुअली और ओवरऑल 50 फाउंडेशन, हर पेपर में 50% था, बट यहाँ पे पास मार्क जैसा पहले था वैसे ही है, 40% इन ईच एंड 50% ओवरऑल, तो ये जैसा था वैसा ही है। तो इंटर थोड़ा सा दिखने में हल्का लग रहा है, सच बताएं तो इसमें कोई दो राय नहीं है, एज कम्पेयर टू प्रीवियस इंटर हम लोग को थोड़ा सा हल्का तो लग रहा है, बट आप देखिए कि सब्जेक्ट्स कम बहुत नहीं हुए, खाली एक EIS और इको हटा है, तो इको जो हटा है वो आपको फाउंडेशन में पढ़ना पड़ जाएगा, शिफ्ट टू फाउंडेशन, EIS खाली हटा है, मतलब ऐसे दिखने में लग रहा है 800 का 200 मार्क कम किया गया, 600 किया गया है, तो 200 मार्क के लिए दो पेपर पूरा कटना चाहिए, तो पूरा कटा खाली EIS है, खाली EIS कैंसिल हुआ है, पढ़ाई जो है वो बाकियों को थोड़ा सा फाउंडेशन में शिफ्ट करके, फाइनल का थोड़ा सा इंटर में शिफ्ट करके पढ़ाई बराबर ही रखा गया। तो लॉ में जैसे आप देखिए कॉरपोरेट लॉ घुसा दिया पूरा कंप्लीट, तो अदर लॉ हट गया, तो अदर लॉ फाउंडेशन में चला गया, तो लॉ जितना अदर लॉ का लोड हटा उतना फाइनल का कॉरपोरेट लॉ इंटर में घुसा देंगे, तो लॉ का लोड कम नहीं हुआ, ठीक है। अकाउंट्स आपको दो मिला के एक किया है, तो सिलेबस वाइज उतना ही है, थोड़ा सा टॉपिक्स बोला है फाउंडेशन में शिफ्ट करेंगे, तो अकाउंट जैसा लग रहा है वैसा ही अगर फाउंडेशन में, मुझे नहीं लगता था कि दोनों मिलाकर जो टॉपिक्स है उसका आधा आधा पूरा इन फाउंडेशन में शिफ्ट करेंगे, ऐसा नहीं, कुछ थोड़ा बहुत शिफ्ट करेंगे, तो एज अ कॉन्सिक्वेंस अकाउंट्स में मतलब आई विल से कि 100+100 200 था ना, तो 150% का वेट है, मार्क्स 150 नहीं है, मार्क्स 100 है ही है, बट सिलेबस जो है ना वो 1.5 टाइम्स हो जाएगा, मतलब कितना टाइम सिलेबस हो जाएगा 1.5 टाइम्स। कॉरपोरेट लॉ में क्या हो रहा है, लॉ और एंड अदर लॉज में, अदर लॉज फाउंडेशन में चला गया, अदर लॉज कहाँ चला गया, ये फाउंडेशन में चला गया, तो जो लॉ का पार्ट है वो कॉरपोरेट लॉ आने के कारण ये 1 का आप समझ लीजिए 1.2 हो गया, क्योंकि कॉरपोरेट लॉ इन एंटायरिटी जब आ जाएगा तो थोड़ा सा अदर लॉ हल्का होता है, ईजी होता है एज कम्पेयर टू कॉरपोरेट लॉ में बहुत इंटरप्रेशन छुपे होते हैं। कॉस्ट में अभी जितना है उतना ही है, मुझे लग रहा है मान लेते हैं इसमें भी 1.1 मान लेते हैं, क्योंकि कुछ फाइनल के कॉस्टिंग के चैप्टर्स सुनने में आए, ये लोग इसमें डालेंगे, अब वो कौन सा डालेंगे नहीं पता, इसलिए 1.1 माना। टैक्स सेम है, FM सेम है 0.5 जैसे था, SM भी सेम है और ऑडिट भी सेम है, तो एक तरह से आप लोड देखना अपना 1.5+1.2+1.1+1+1+1 तो 6.8 आ गया, एक तरह से आप देखो 1.5, 1.2, 1.1, मतलब मैं ये टाइम्स इसलिए समझा रहा हूँ कि बोलने के लिए 600 मार्क का पेपर है, मेहनत 6.8 मार्क, 6.8 टाइम्स है, मतलब कि 680 मार्क्स तक का मेहनत है, वो अजम्पशन पे मैंने अपना एनालिसिस लगाया कि अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स मिलके एक हो रहा है, तो कुछ अकाउंट्स हम लोग ने फाउंडेशन में शिफ्ट किया तो 1.5 हो जाएगा, ऐसा मान रहे हैं। लॉ एंड अदर लॉ में अदर लॉ फाउंडेशन में शिफ्ट हो गया, तो ये लॉ आपका कॉरपोरेट लॉ के साथ मर्ज होगा, पूरा कॉरपोरेट लॉ पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा लोड बढ़ जाएगा, अदर लॉ इजी होता है कंपैरेटिवली। कॉस्ट में थोड़ा सा मैंने मान लिया कि 10% और ऐड होगा, टैक्स एज इट इज है, FM SM एज इट इज है, 1 एज इट इज है, ऑडिट का मैंने मान लिया एज इट इज है, तो ये 6.8 टाइम्स ऑफ 600 मार्क्स के लिए 6 टाइम्स होना चाहिए था, 600 मार्क्स के लिए 6.8 टाइम्स हो रहा है, 600 मार्क्स के लिए 6.8 टाइम्स हो रहा है, मीन्स थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, भले पेपर 6 है तो क्या हुआ, बट फिर भी 8 महीने का पीरियड में मैं पहले 8 टाइम का तैयारी करता था, 8 सब्जेक्ट यानी 8 टाइम्स को प्रिपेयर करता था, अब 6 सब्जेक्ट के लिए 6.8 टाइम्स प्रिपेयर करूँगा, तो भी मुझे लग रहा है चलो ठीक है, इंटर के लिए ये सच में एक बड़ा रिलीफ है, एंड दिस इज समथिंग ग्रेट दैट इंस्टीट्यूट हैज टेकन फॉर इंटरमीडिएट एटलीस्ट, तो इंटरमीडिएट वालों को थोड़ा आसान तो लगने वाला है। फाउंडेशन का जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पेपर हैं स्कोरिंग पेपर्स हटा के आपके जो कोर सब्जेक्ट है उसको बड़ा कर दिया गया, प्लस पासिंग मार्क 50% के नीचे डाल दिया गया, और MCQs जैसे थे वैसे ही है, नेगेटिव मार्क
जैसे थे वैसे ही है। तो फाउंडेशन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा पास होने के लिए। फाउंडेशन में कोर सब्जेक्ट्स का डेप्थ बढ़ा दिया, जैसे लॉ अच्छा बना दिया, इको पूरा और पूरा इको बना दिया, वो सब जो फालतू फालतू चीज़ था वो सब हटा दिया, निकाल दिया हमने, ठीक है, बीसीआर बीसीके सब हटा दिया। तो उसके कारण लॉ एक्सटेंसिव हो गया और कई को एक्सटेंसिव हो गया, अकाउंट्स भी थोड़ा इंटर का टॉपिक फाउंडेशन में जा रहा है, तो उस तरह से फाउंडेशन हैवी है थोड़ा बच्चों के हिसाब से। अब उतने समय में इतना सब चीज़ को पढ़ना फाउंडेशन हैवी लग रहा है, बट इंटर हल्का लग रहा है, ठीक है। अब आगे के वीडियोस में फाइनल के बातों में बात करेंगे। आई होप आपको थोड़ा सा समझने में आ रहा है, होता है ना एक कि बस आप समझ पाते खाली हो, एक कम हो गया दो कम हो गया, बट क्रॉस इम्प्लीकेशन 360 डिग्री व्यू आपको हम समझाने का प्रयास करें। तो आप अपने से थोड़ा इनिशिएटिव लीजिए और यू नो ये BOS क्रेट पे जाके एज अ स्टेक होल्डर आपका फर्ज बनता है। इवन दो अगर आपका इंटर खत्म हो गया फाइनल में या फाइनल खत्म हो गया पास हो गए, तो भी आपका फर्ज तो बनता है कि आप इसमें जाके अपना ओपिनियन जरूर दें, बिकॉज इंस्टीट्यूट हम सभी का है, तो हम सबको कहीं ना कहीं आवाज़ तो उठाना चाहिए, अपना व्यू पॉइंट, सहमति, है ना, कुछ भी आपको लगता है कि ये ऐसे भी हो सकता था बताना जरूर चाहिए, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।